नमस्कार, इंडी टॉक न्यूज में आपका स्वागत है। कैथिकी सिंह की 62 विधानसभा का विकास कर सकती है जनता। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में 62 विधानसभा क्षेत्र से कैथिकी सिंह की विभिन्न जातियों का जबरदस्त समर्थन। एक ही विकल्प है 62 विधानसभा का विकास करना है तो कैथिकी सिंह को विधायक बनाना है तो 62 का विकास करना है। विकल्प है विधानसभा का विकास करना। लालन सिंह चाहते हैं। इस बार आपके विधायक हो कैथिकी को उनको चाहते हैं आप लोग। रामपुर। किस गांव से बिलोंग करते हैं? गांव आप किस गांव के रहने वाले हैं? भोजपुर। भोजपुर नाम बताइए। किसको चाहते हैं इस बार विधायक बनाएंगे अपने? अरे विधायक कैथिकी के है। कैथिकी एक है। कैथिकी के उन्हीं को चाहते हैं। हाँ। पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह। किसको चाहते हैं आप क्षेत्र का विधायक हो और किसी चाहते हैं सरकार बने? हमारे क्षेत्र का विकास विधायक ऐसा हो जो मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग चुनते हैं और विकास करें, लेकिन ऐसा कोई भी विधायक नहीं हो रहा है। कोई भी पार्टी का हो विकास नहीं कर रहा है। इस बार क्या आपकी राय है? इस बार हमारा राय है माननीय पूज्य योगी जी को फिर हम लोग लाए। आपके क्षेत्र से कौन प्रत्याशी हैं? हमारे क्षेत्र से मैंने कीर्ति सिंह है प्रत्याशी। उनको आप लोग जिताना चाहते हैं? जी। आपके क्षेत्र में रामगोविंद चौधरी प्रतिपक्ष नेता और विधायक भी हैं? जी, वो विधायक हैं, मान्य 10 साल से विधायक हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है। कितने विश्वास है वो अच्छा काम करेंगे आपके क्षेत्र में? जी जी, मेरा नाम सनी सिंह है। जी, 62 विधानसभा से बिलोंग करते हैं। जी, इस बार आप युवा है और क्या चाहते हैं? किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी आपके भाई जैसे विधायक होने चाहिए जो आप? जी, हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार आए। और हम भाजपा से या बाजी से कैथिकी सिंह को भी चाहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी नेता है। और राम गोविंद चौधरी इस समय फिलहाल कुछ कार्यकाल नहीं कर पाए, इस समय जो व्यक्तित्व वर्तमान में रह चुके हैं 5 सालों में। आप इस समय कैथिकी को चाहते हैं? जी बिल्कुल। क्या आप चाहेंगे आपके दोस्त मित्र या घर? बिल्कुल सब लोग हैं। मनंजय चौरसिया। चौरसिया जी, किस गांव से बिलोंग करते हैं? ये भोजपुर गांव से। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक हो, किसी चाहते हैं सरकार बने? देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कि जो भी कोई भी सरकार आ रही है तो कोई भी भलाई कर रही है, कोई तो बुराई कर नहीं रही। लेकिन आपका क्या मत है? हम लोग का मत ये है कि मान लीजिए कि ये 5 साल में कोई प्रोग्रेस बच्चों का नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चों का कुछ हो, पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी चाकरी से लेकर सब व्यवस्था मिले। और ये ना कि कुछ और मिलने से थोड़े नहीं होगा भाई। बच्चों अपना लाइफ देखें, नौजवान नौजवान भी अपना जो समस्या है वो भी अपना देखें। आपके क्षेत्र किससे जाते हैं? हमारे क्षेत्र से मान लीजिए कि जो हम लोग का मुख्यमंत्री अगर अखिलेश यादव भी बन जाए तो भाई हम लोगों का पूरा जो है क्षेत्र का भी कभी कुछ कर सकते हैं, ऐसा बात कोई नहीं है। जी, तो मतलब तात्पर्य तो रामगोविंद चौधरी को जाते हैं? रामगोविंद चौधरी विधायक बनेंगे। अरविंद से। किस गांव से बिलोंग करते हैं? भोजपुर से। किसको चाहते हैं इस बार आपके क्षेत्र का विधायक हो, किसकी चाहते हैं सरकार हो? बीजेपी। आपके क्षेत्र से किसको चाहते हैं? कैथिकी से। कैथिकी से चाहते हैं? यहाँ रामगोविंद चौधरी लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता आज वर्तमान समय में। इनके कार्यकाल को कैसा रहा इनका कार्यकाल? ठीक है, लेकिन जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया। इस बार किसको चाहते हैं? अभी लोग चाहते हैं इस बार बीजेपी बदलाव हो। मतलब चाहते हैं यहाँ बीजेपी आए? जी। मेरा नाम संजय कुमार सिंह पड़ता है। जी संजय जी, किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? मैं 62 विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। जी, किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र से विधायक बने? मैं तो सबसे पहले यहाँ एक किसी ईमानदार छवि का चाहता हूँ जो शिक्षा और रोजगार और शिक्षा रोजगार दे, ईमानदारी से विधानसभा का विकास हो, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ विकास हो नहीं पा रहा है। जी, तो किसको चाहते हैं इस बार? जैसे मैं किसी पार्टी विशेष का नाम तो नहीं रखना चाहता हूँ। जी जी, लेकिन समय के अनुसार जो भी बहुत सारी पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं वो काम विकास के नज़र में हो नहीं पा रहा है। जी जी, तो यहाँ शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। जी जी, और ऐसा चाहिए नेता जो कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में
और रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम करे। आपके क्षेत्र में कई प्रत्याशी हैं, चाहे किसी विभिन्न पार्टियों से निर्दल भी हैं, तो इसमें किसी को आपको नजर आया कौन से प्रत्याशी इसमें अच्छे हैं जो आप कह रहे हैं? अब प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, चरित्र बल पे तो देखा जाए तो किसी का भी चरित्र बल रह नहीं गया है, लेकिन इन्हीं जब इन्हीं यही लोग लड़े हैं, ऐसे ही लोग लड़े हैं, तो इन लोगों में किसी न किसी को तो चुनाव करना ही पड़ेगा। तो उस दौर में हमें दिख रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट यहाँ कुछ चरित्र बल के आधार पर कुछ अच्छा है। केतकी सिंह अच्छी हैं।